मानो थोड़ा इस चीज को एलैबोरेट करेगी। एलैबोरेट मानो ये बता ना क्या कर रही है। ये बोल रहा है कि ना जाने वो बोल तो मैं कल ला के दे देती हूँ तो वो मैं तोड़ देता हूँ। अच्छा ठीक है, ये वो रस्सी ले आए वो मैंने तोड़ दी। ठीक है, अब मेरे रस्सी का चस्का अब मेरे रस्सियों का चस्का लग गया। हाँ। अब तुम मुझे नई रस्सी नहीं दे रहे, मैं पट्टा पाड़ूंगा। छोड़िए खुद लेके जाओगे अपना। एक चैलेंज करते हैं, एक चैलेंज करते हैं। कल शाम को केले नहीं थे अपने घर पे, तो नीचे से केले ले लिए 2 और सुबह पापा केले लेके सुजीता आंटी तो बाथरूम में थी और केले लेके मनोज अंकल को दे दिए। बोले ले भाई साहब ने 2 केले लिए थे और अंकल बोले अरे भाई साहब फिर ले लेते क्या बात। मम्मी मेरी वो कहानी बताओ, मेरी क्या मानू और मेरी कहानी बताओ कि हमें इतने जानवर पसंद क्यों है। ये उसका कारण ये है कि बेटा मैं जॉब में हूँ और उसके लिए मैं क्या करती थी कि रचित को बिल्कुल जब ये बैठने सीखे ना तो मैं इसको बिस्तरों के बीच में ऐसे बिठा के और सामने डिस्कवरी चला देती थी और बचपन से ही इसका जानवरों में शौक पड़ गया, चाहे वो चूहिया के बच्चे हो और चाहे वो सूअर के बच्चे हो। तो इसको हर जानवर अच्छा मतलब जीव अच्छा लगता था। चूहिया के बच्चों को भी ऐसे कहता था कि ऐसे करके मम्मी कितने प्यारे लग रहे हैं, वो भी उठा लेता था ये। और गांव किस जॉब में हमारे रिश्तेदार में जाते थे, चाहे वो सुअर के बच्चे हो चाहे मुर्गी के बच्चे हो, सबके पीछे भागता था। एक बार गांव में गए हुए थे और वो वहाँ पे लेके हम जोड़ पे तालाब में, और ये वहाँ पे हमारे घर के पास बुरिया के घर है और उनके पास मुर्गे थे, बतख थी। ये भाग गया हाथ छुटा के मेरा, बतख, और बतख इसके पीछे बढ़ गई। ये आ गया बतख पीछे भी। उस बतख का बदला मैंने इस वीडियो में ले लिया पापा। और वो तो बच गया, नहीं तो इसके पाछी में उड़ गया। किसी के घर में बिल्ली प्यारी होती, किसी के घर में कुत्ता प्यारा होता। तो ये याद है स्पेशली मेरे को पकड़ के लेके जाते थे, आजा बिल्ली पैदा हो रही है। जब ये जाता है तो उनको कहोगे भाई मारी बिल्ली प्यारी है तो बच्चे ले होगा। ये था इसका, ये दोनों स्कूल से आए, इसकी मम्मी स्कूल गई हुई थी, मैं भी फोन करा था इन्होंने आपके पास, तब मैं जॉब करता था। हाँ जॉब में था मैं, और ये लेके आए उस छोटे डॉगी को और इन्होंने फ़ोन किया घर पे आके कि मम्मी ऐसे ऐसे हो गया, तो एक कोई बंदा हमारे अपने घर के आगे रैंप पे छोड़ गया, पप्पी छोड़ गया। तो इसकी मम्मी ने बताया कि भाई ठीक है कोई बात नहीं, छोड़ गया तो उसको वापस छोड़ आओ। तो बोला मम्मी पीछे कहाँ जाएगा, ये छोटा सा बच्चा है। ऐसे फिल्मी स्टोरी बनाई बच्चों ने, बड़ी स्टाइल से स्टोरी। मैं बोली मैं कोई बात नहीं, जब तुम बाहर ही छोड़ दो कोई उठा लीजिएगा जिसने रखा है। मम्मी कैसे बेचारा, मम्मी वो भूखा है, मम्मी उसने आंख भी नहीं खोल रखी, मम्मी हम अपने रैंप के पास कोई छोड़ के गया, मम्मी हमने पता क्या किया, चुरा के नहीं लाए, हम उठा के लाए। तो उसे चुराना नहीं कहते, उसे उठाना कहते हैं। बताया इन्होंने बाकी मानू बताते हैं कैसे ले गया। एक बार पहले मानू पे जाते हैं, मानू इसने उठाया। मैं तो 3rd 4th क्लास में थी, छोटी सी थी मैं, तो बोला मानू आज है ना आपा कुछ करने जा रहे हैं। ओ तू भी थी बीच में। तो यार मैं 3री क्लास सारा मेरे ऊपर लगा रही है। 3री क्लास के बच्चे को क्या बता, बोला कि ना बस क्या करना पॉलिथीन लेने और ऐसे चलना कि हम तो स्कूल जा रहे हैं, कुछ नहीं है। मैं एक्टिंग तो बहुत अच्छी कर ही लेती हूँ शायद, तो मैं ऐसे चल रही बढ़िया, जाके हम आराम से उधर जहाँ से हमने बच्चा किडनैप किया खुद का, तो उधर है ना मतलब ऐसे सुनसान एरिया था, मतलब सुनसान मतलब दोपहर थी तो कोई था नहीं, तो ना जो ऐसे उन कुत्तों के लिए एक ऐसा बना रखा था घर, और उसके अंदर हाथ मार के निकालना था, सारे बच्चे अंदर थे और वो कुत्ती का कन्नू वो पैरा दे रहा था, मतलब वो देख रहा था कि कब बाजे और कब बाजे। कई वो हमें मैं भाई पैरा का मतलब मैं बताता हूँ, इसे सब बताना भी नहीं आता। ये जो गली है ना, इस गली में बिल्कुल सामने वाला घर है, बिल्कुल सामने वाला घर, वहाँ गए हुए थे, वहाँ थे हुए थे बच्चे, भाई रुक जा, वहाँ बच्चे हुए थे, मैं हमने देख लिया भाई बच्चे हो रहे हैं और हमारा मन था डॉग लेना है, ठीक है। और डॉग लेना है तो फिर भाई कोई स्कीम पता नहीं लग रही थी, छोटा था जितना दिमाग चला तो हमने स्कीम लगाई कि वहाँ बच्चे हो रहे हैं हम ले जाएंगे बच्चे। डायरेक्ट मम्मी और पापा को कहेंगे कि बच्चे लाने तो मना करेंगे, क्योंकि भाई ये दोनों अभी बताया हमने कि दोनों वर्किंग है तो घर पे कोई ध्यान तो रख नहीं सकता था और हमें भी स्कूल में जाना होता था। तो फिर मतलब और कोई तो स्कीम थी नहीं भाई, हम कैसे लाए। तो फिर हमने सोचा कि भाई हम यही वाले डॉग ले जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे थे। फिर हमने स्कीम लगाई कि भाई मैं ले आऊँगा डॉग, मानू और मैं गए और आगे का सीन मानू बताती है कि हमने कैसे वहाँ पे मतलब पैरा वगैरह रखा कि कोई, हमें ये भी डर था कि जिस आंटी ने पाले हो कहीं वो देख ले, ये भी डर था कि कोई और गली में, मम्मी और को तो सब जानते थे कि ये बता दे भाई बच्चे यहाँ से उठा के लाया, ये भी डर था कि वो फीमेल ना काट ले। तो ये सारी मुश्किलें हमने पार करी और मानो बताइए कैसे पार करी। स्ट्रीट डॉग था, हाँ, और वो स्ट्रीट डॉग था। आप लोग कहते हैं ना कि स्ट्रीट डॉग नहीं पाले, स्ट्रीट डॉग हमने पाले, बहुत पाले और अगली किसी और वीडियो में बताएंगे हमने कौन कौन से जानवर भी पाले हुए हैं। आज इसमें यही बताते हैं आपको। स्टोरी बता मानो। हाँ तो फिर है ना पैरा पूरा दे दिया, उसमें बच्चे थे तो ना मैं ऐसे डरती डरती, इन कामों में हमेशा मेरे को आगे फंसाए जाते हैं, तो मैंने उसमें मारा हाथ। मैंने तो यूं नहीं देखा फंसाता कौन है तेरे को, मैंने तो एक तो तेरी सेफ्टी देखी, अगर कुत्ते आती तो तू बचाती, मैं बचाता ना भाई, है ना गलती, एक तो मैं बचा रहा, आगे डवा था इसके तो है ना। उसके बाद मैंने यूं नहीं देखा कौन सा पिल्ला उठा रही, और मैंने इसे कहा था व्हाइट वाला उठाइयो। हाँ उन्होंने बोला था कि स्पेशली मेंशन किया था व्हाइट कुत्ता लेके आना भाई, मैं तो उधर जाके देखा ही नहीं कौन सा ले। और फिर हम घर आके देखे, घर आके देखे नहीं, फिर उस बैग में डाल दिया और मैं तो ऐसे आ रही लेके, मैं भूल गई थी उसमें पप्पी डाल रखा मैंने, घर आके देखा ओह ये तो कलर चेंज हो गया। कर रहा कि उल्टे चलते हैं, उल्टा लेके आएंगे। मैं बोली यार हमें व्हाइट कलर का पसंद था, मुझे उस टाइम की भाई व्हाइट कलर वाला है, वो एक ही था, मैं कहा मानू व्हाइट वाला लाइयो। इस पागल से ने बिना देखे ऐसे उठा के डाल लाई, यहाँ आके देखा वो तो वो नहीं था ऑरेंज कलर, वो बाज गया। मेरे पास आ, चलो ऊपर जा, मेरे पास आ बैठ। तो फिर लाके ये वाला गेट नहीं था, पहले दूसरा गेट था, तो इसके अंदर कर दिया कि मतलब डॉगी कोई छोड़ गया। हमने ऐसे बोला, अब बोलना यूं था। अरे हमने क्या करा यार, तू यहाँ रख दिया हमने, और ना मम्मी और पापा यहाँ भी नहीं रखा, मम्मी और पापा को फोन कर दिया, बाहर ना डॉग रख दिया है, क्यों मम्मी बाहर कुत्ता छोड़ गया, कोई कैंप से छोड़ गया, पता नहीं कहाँ से छोड़ गया, छोटा सा पप्पी है। फोन करके फोन बताया था किसी पड़ोसी का, देखेंगे हमारे में फोन भी नहीं था, किसी पड़ोसी का फोन लेके करा हमने। मम्मी आप पे पल्ला करा था, अपने गेट के आगे कोई बच्चा और डॉगी छोड़ गया, मैं कहा भाई छोड़ गया तो उठा लीजिएगा, ले मम्मी ऑर्डर से छोड़ गया भाई, किसी ने उसको देख लिया होगा। और मैं बोली है किसका, बोला पता नहीं मम्मी नस्ल वाला कुत्ता है, ये भी इनको पता भी नस्ल भी होती है उस टाइम। मैं बोली भाई ठीक है तुम पानी पुणी पिला के उसको बाहर छोड़ दो, कोई उठा ले। मम्मी मर जाएगा बेचारा, मम्मी उसकी माँ भी नहीं है, मम्मी क्या करें, हम पापा ने तो ऐसे बोल दिया अंदर बिठा दो उसको दूध पिला दो। मैं आई तो देखो मम्मी बेचारा ऐसे कपड़े कपड़े नीचे बिठाना, अच्छे से बाबा अंदर फिर भी। और वो राज, खास बात ये है कि वो राज इन्होंने अब खोला 5-6 महीने पहले, जो उस तब तक दोनों ने वो राज छुपाए रखा। पापा जी क्या कहा था आपको, यही बताया था मैंने। और पर मुझे एक बात याद है, पापा और मम्मी पता है हम ले तो आए, उस दिन रात को उसको रखा हमने यहाँ पे पैडियो पे रखा था ना, मतलब वहाँ उसका घर बना के वहाँ रखा। फिर पापा मम्मी सुबह उठ के जैसे सुबह की चाय में डिस्कशन कर रहे थे को चलो बच्चे ले आए, पता तो चल गया था इन्हें कि लेके आए हैं, पर नहीं पता था ना हम। तो ये सोचा था मैंने तो कोई छोड़ गया होगा भाई। तो इन्होंने पापा ने पता क्या कहा, चलो भाई बच्चों को पसंद है, छोटा सा बच्चा है, चलो रख लेते हैं। तो फिर हमने वो डॉग रखा है ना पापा जी, बिल्कुल बिल्कुल, और वो बड़ा तगड़ा डॉग बना बिल्कुल। हाँ, और उसका नाम बड़ी था है ना, और बढ़िया वेल ट्रेन डॉग भी बना। वो बताओ ना जिन्होंने वो लिया उन्होंने क्या कहा था, वो दूधिया था अपना, मतलब बहुत अच्छा, उन्होंने बोले जी हम ना दे दो, आपके तो भी बच्चे छोटे हैं अभी इतना वो नहीं है, बहुत उच्चा और वो है। तो उसको वो जो जिसको दिया ना मैंने उसके बर्तन भी, उसका बिस्तर भी, उसका ये था कि आराम से बैठ रहा, जब उसके बर्तन की आवाज़ आ गई तब उसको था कि अब मेरे को खाना चाहिए। बल्कि उसका भाई ने दूध दिया, भाई ने ये कहा कि जी दूध आया स्पेशल दूध देने के लिए, बोले भाई मैं उनका घर से मैं मिल के आऊँगा। पूछ के आऊंगा, उसको ट्रेनिंग कोर्स स्कूल में दिए। भले जी मेरे को ये बताओ आपने दिया था, ये नहीं छोटा, कम से कम वो 1-1.5 साल का करके दिया था। तो भले जी मैं आपके पास इसलिए आया स्पेशल कि आपने उस डॉगी को ट्रेनिंग कोर्स स्कूल में दी थी कि भाई इतना शांत से कुछ खाते रहो। उस टाइम तो इतना ज्ञान भी नहीं था कि उसके बर्तन की आवाज आ गई तो उसको कोई रोक नहीं सकता, और नहीं तो आप जो उसके पास जो मर्जी खाते रहो, वो ऐसे गर्दन उठा के भी नहीं देखते, जैसे थोर नहीं देखते। ये खटखटी कहानी थी, बाकी और भी ये 2-3 फिर बताएंगे अगली उसमें। कमेंट सेक्शन में बताना कैसे लगी आप लोगों को, कमेंट सेक्शन में बताना भाई कैसी लगी। फिर इसकी चुईया की कहानी भी बताऊंगे। चुईया के बच्चे ने घर में है ना चुईया, अपना अगली बार कमेंट सेक्शन में बताओ भाई। क्या मम्मी आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपने सुनी है। जबरदस्त स्टोरी है वाह इसकी। अरे कह दो ठीक है भाई, किसी ने सुननी हो तो बता दियो। कैसे लगे अंकल मेरे को? एकदम बढ़िया बढ़िया। आंटी जी आप बताओ, अच्छी लगी? आप लोगों को भी कोई कहानी थी कैसी? नहीं ये हर याद नहीं बताते, बल्कि मुझे तो लग रहा है हरकतें मैंने ही करी है। अरे ये जरा शरारती होता है, आनंद पकड़े होगी तो बैलेंस बना के खड़े हो जाया करता है। अरे चलो अगले वीडियो में बताएंगे, कमेंट सेक्शन में बताना क्या अच्छा लगा इस वीडियो में। ठीक है, ओके बाय बाय।